नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आपका कोर पेपर 9 है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ना है, यानी कि यूएसए का हिस्ट्री पढ़ना है 1865 से 1945 के ईस्वी तक, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका, अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेन अमेरिका युद्ध के कारणों का विवेचना करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्पेनिश अमेरिका वार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, थियोडोर रूजवेल्ट की विदेशी नीति का वर्णन करें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। व्हाट वेर द कॉजेज व्हिच लेड द यूएसए टू एंटर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, न्यू डील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऑन न्यू डील शॉर्ट नोट्स में लिखना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका, विलियम हॉवर्ड टेफ्ट की उपलब्धियों का वर्णन करें। विलियम हॉवर्ड टेफ्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति का मूल्यांकन करें। रिव्यू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अगर आप यूएसए पढ़ रहे हैं इसका इतिहास, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आर्थिक मंदी के कारणों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम बताएं, यहाँ पे उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट में जो अभी हम बताएं क्वेश्चन नंबर 8, ये दो प्रश्न में से आपका दोनों आने की संभावना 99% है, क्योंकि आप यूएसए का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हम आपको जितने भी प्रश्न करवाएं आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको जो आने वाला है कोर पेपर 10, जो आपके एग्जाम के विषय जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।